Hi, this is Kalpana Chaudhary and watching the Kalpana Chaudhary recipe. Today's recipe, Malai Kofta Curry, is very beautiful and very sweet recipe. So, try कीजिए आप लोग भी इस तरह से मैं जैसे बना रही हूँ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज साथ में. और सो लेट्स स्टार्ट टुडेस रेसिपी मलाई कोफ्ता करी. अभी इसे चीज को मुझे इस तरह से ब्लेंड कर लेनी है. इसके अंदर डाल लीजिए इलायच का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, करीबन 2 चम्मच के ऊपर तो मैदा डाल लीजिए, ज्यादा मैदा डाल लीजिए ताकि ये फ्राई करने के टाइम छोड़ ना जाए. ठीक है, अभी ये हो चुकी है. मुझे इसका छोटे छोटे वो बनानी है. अभी इस तरह से डो बना लेनी है. अभी डो को मुझे डीप फ्राई कर लेनी है. चीज के अंदर ज्यादा नमक नहीं डालनी है क्योंकि ये चीज में पहले से ही थोड़ी सी नमक होती है और मैगी के हिसाब से नमक डालिए और कम डालिए. मीडियम साइज 3 टमाटो को मुझे काट लेना है चॉप करके. टमेटो को देखिए इस तरह से चॉप करके कट लेनी है. 3 टमाटो मैंने इसके अंदर डाली है और अब इसके अंदर डालेंगे 1 इंच अदरक, 4 इलायच, काजू तोड़ के इस तरह इसके अंदर डालनी है, 1 चम्मच पोस्टो खसखस जिसका बोलते हैं खसखस, और डालनी है तेल डालनी है इसके अंदर, 1 चम्मच दही डालनी है, डालनी है 1 चम्मच मिर्च का पाउडर. अभी इसको मुझे प्रेशर कुकर के अंदर डाल देनी है और स्वाद अनुसार नमक डाल देनी है, 2 कप पानी डालनी है इसके अंदर. और इसे मुझे डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर. अब इसको मुझे 4 सीटी लगानी है. चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होती है. अभी देखिए मुझे इसको मिक्सी पे मिक्स कर लेनी है. अब इसको ग्राइंड करके मुझे मिक्सी पे डालनी है और इसका पेस्ट बना लेनी है. देखिए मिक्सी हो चुकी है. मुझे इसको इस तरह से छान लेनी है. कंप्लीट हो चुकी है मलाई कोफ्ता करी. आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिए. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे. तब तक के लिए गुड बाय.